question mark for option B here, which is where I think it's the instant failure. Turbidity, कौन देगा? Lucas Raymond के पास, ठीक है? Lucas Raymond क्या आता है? Zedon को कुछ चीज़ है ना? तो ये alcohol दिखाता है, ठीक है? क्या अगर primary, या हम usually use it as a test, अगर हमें देखना होता है कि alcohol primary है, secondary है, या tertiary, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि इस कंटेन में टर्बिडिटी कौन देगा। देखो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, प्रोसीड होती है एस एम वन मैकेनिज्म से। तो एस एम वन मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ना, ठीक है? क्योंकि ये है ना, ये डिपेंड करता है, देखो जो टर्बिडिटी है ना वो सबसे ईजीली पता किसको रहती है, उसमें कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जहाँ पर भी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ पर टर्बिडिटी सबसे ज़्यादा रहती है। अगर हम देखा जाए 1 degree, 2 degree, 3 degree में, तो ऑब्वियसली 3 degree या 2 degree 1 degree तो बनाता ही नहीं होता है, ठीक है? 3 degree बनाता है बहुत ईजीली, और फिर उसके बाद 2 degree, ठीक है? क्योंकि 1 degree का कार्बन का टाइम स्टेबल नहीं होता, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर तो आप इस बेसिस को नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, मतलब ये फ़र्क नहीं बता सकते जो यहाँ पे कार्बन है ना। फॉर एग्जाम्पल जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, जैसे इस केस में यहाँ पर बनेगा, इस केस में यहाँ पे बनेगा, इस केस में यहाँ पे बनेगा, इस केस में यहाँ पे बनेगा, है ना? तो आपको वो क्राइटेरिया नहीं है ना कि आप 1 degree, 2 degree, 3 degree से यहाँ पे इनके बीच का फर्क बता सकते। तो अब आपको बेसिकली यहाँ करना है क्या, सीधे देखना कि कार्बोकैटायन किसका ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो टर्बिडिटी सबसे ईजिली दिखाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या आपका ऑप्शन ये है। जब यहाँ से OH रिलीज करेगा तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है ना वो उतना स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ है नहीं। तो यहाँ से इसको इंडक्टिव तक, यहाँ पे इंडक्टिव तक पर ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, इस वाले में जब ये लूज करेगा यहाँ से भी सिर्फ इसको यहाँ से आएगा स्टेबलाइजेशन इंडक्टिव तक की वजह से, तो ये भी उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है? हाँ ये भी उनमें क्या 1 degree, तो 1 degree की तो प्रोबेबिलिटी बनती भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद में ये जब ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर रिलीज करेगा OH, तो यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा ना कार्बोकैटायन को। जैसे होगा क्या यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा होगा CH, जब चार डीलोकलाइजेशन हो रही है ना, तो चार डीलोकलाइजेशन से कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है इंक्रीज होती है ना। तो फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो चांस होती है क्या करेगा, स्टेबिलिटी इजीली फॉर्म करेगा, ठीक है? फिर आपका ये जो यहाँ से अगर आप OH रिलीज करोगे तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा फिनाइल का ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है? यहाँ पे इन रिएक्शन में यूजुअली जब इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ होता है यहाँ पे तो SN1 दिखाता भी नहीं है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है ड्यू टू द डेक्सी जो रिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग होती है। क्या होती है, डीएक्टिवेटिंग, तो इसीलिए यहाँ पे SN1 दिखाता ही नहीं है। यहाँ पे यूजुअली हमेशा जो रिएक्शन होती है वो SN2 से होती है, ठीक है? तो ये तो उसका तो चांस ही नहीं है, यहाँ पे तो कार्बोकैटायन भी बन ही नहीं रहा। तो इनमें से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ईजिली इसको बनेगा, बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और वो कुछ क्लियर, बाय बाय।